एनिमेशन, ट्रेडिशनल एनिमेशन इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ सेल एनिमेशन, इसको सेल एनिमेशन भी बोलते हैं. एंड दिस टाइप ऑफ एनिमेशन रिक्वायर्स द एनिमेटर टू ड्रॉ एवरी सिंगल फ्रेम बाय हैंड टू क्रिएट एन एनिमेटेड सीन. मतलब भले ही उसको 5 मिनट का, भले ही उसको 10 सेकेंड का एनिमेशन सीन बनाना हो, लेकिन उसकी जो यदि उस 10 मिनट के पर्टिकुलर सीन में यदि सपोज 10 फ्रेम्स लगती है, तो 100 फ्रेम उसको क्या करनी पड़ेगी, बाय हैंड बनानी पड़ती है. आपने देखा हो वो कैट बना रहा था, जैसे आप लोगों ने यदि इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी हो, और इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ते वक्त यदि आपने किसी की शीट कॉपी करी हो, तो बताते थे ना कि बल्ब लगा के डाइनिंग टेबल के ऊपर आप उसमें बना सकते हो ग्लास की हेल्प से. सुना है आपने वो पहले, कभी ऐसा किया है आप लोगों ने? मतलब व्हेन आई वाज इन इंजीनियरिंग तब तो ये बहुत ज्यादा होता था, इन ऑर्डर टू कॉपी एनी ड्राइंग शीट, आप नीचे बल्ब लगाते थे ताकि वो जो ड्राइंग शीट जो है वो दिखने लग जाती थी एक्चुअली ऊपर. मतलब ट्रेसिंग बोलते हैं ना, जैसे बटर पेपर की हेल्प से आप कैसे ट्रेस कर लेते हो. हैव यू हर्ड अबाउट दिस? मैम सुना है पर किया नहीं है। या नहीं है? यस ठीक है. बटर नहीं भी आपने देखा होगा, सेम बटर पेपर पे भी आप कोई फिगर के ऊपर बटर पेपर लगा के पहले बटर पेपर पर ट्रेस कर लो, और फिर बटर पेपर के नीचे कार्बन लगा के उसको दूसरे पेपर पर ट्रेस कर लो. पहले फोटोकॉपी मशीन नहीं होती थी, या किसी के पास, हर किसी के पास आसपास नहीं होती थी, तो वो लोग इसी तरह से कॉपी पेस्ट करते थे, राइट? तो वही टेक्नोलॉजी का ट्रेडिशनल एनिमेशन में यूज होता है, कि दिस इज यूजुअली डन ऑन अ लाइट टेबल दैट अलाउज द आर्टिस्ट टू सी द प्रीवियस ड्रॉइंग थ्रू द टॉप लेयर ऑफ द पेपर. जैसे मैंने अभी आपको बताया वो टेक्निक होती है, वो आपने यदि वीडियो ध्यान अभी अब वापस से वो वीडियो देखना, अब आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी. उसने वो कैट बनाई है ट्रेस करके. वेल नोन कंपनीज लाइक डिज्नी आर नोन फॉर यूजिंग दिस टाइप ऑफ एनिमेशन, एंड ट्रेडिशनल एनिमेशन इज स्टिल डन टूडे ऑन कंप्यूटर्स विद स्पेशल टैबलेट्स. ट्रेडिशनल एनिमेशन फॉलो अभी भी होता है, भले ही वो ट्रेडिशनल है, लेकिन बहुत सारी स्टैंडर्ड कंपनीज लाइक डिज्नी, आपको तो पता है डिज्नी बहुत फेमस कंपनी है एनिमेशन और कार्टून्स वगैरह के लिए, तो वो जो है स्पेशल टेबलेट्स जो है स्पेशल फीचर्स वाले आ गए हैं उसके ऊपर वो एनिमेशन बनाता है, राइट? फिर आपका आता है 2D एनिमेशन. तो ऑब्वियसली आपको ये चीज तो पता है कि जब हम 2D एनिमेशन की बात करते हैं, मतलब वहां पर हम डायरेक्शंस की बात करते हैं, हम एक्स और वाई की बात करते हैं. तो इसकी जो पॉपुलैरिटी है ये भी इसकी स्टाइल के कारण जो है नाउडेज बढ़ गई है. ऑब्वियसली टाइप ऑफ एनिमेशन है तो फ्रेम तो इसमें भी होगा, यस और नो? फ्रेमिंग तो यहाँ पर भी होगी, मतलब वन फ्रेम से दूसरी फ्रेम में आपको स्विच करना है. लेकिन अगेन यहाँ पर भी वही है, ऑल दो आर्टिस्ट हैव द ऑप्शन ऑफ एडिटिंग फ्रेम बाय फ्रेम, वेक्टर बेस्ड एनिमेशन गिव्स द आर्टिस्ट ऑप्शन टू क्रिएट रिग्स फॉर द कैरेक्टर्स एंड मूव सिंगल बॉडी पार्ट्स एट अ टाइम. मैम मैं एक बार रिपीट कर दीजिए, हाँ एक बार कर, आपकी वॉइस पक हाँ, एक बार, एक मिनट अभी क्लियर है आवाज? यस मैम मैम. अभी हाँ देखो मैं इसको ओवरऑल आपको समझाई देती हूँ. देखो हम बात कर रहे हैं 2D एनिमेशन की, तो आपने फिगर में भी देखा कि कोई कैरेक्टर है वो रोल होके स्टेप्स पे से नीचे गिर रहा था. तो मतलब जहां पर हमें 3D नहीं देखना हो, अब आपको पता है आजकल तो आप सिनेमास जाते हो, आप 2D मूवी देखने अलग जाते हो, 3D मूवी जो अलग देखने जाते हो. 3D मूवी देखने के लिए आपको स्पेशल वो चश्मा देते हैं जिससे आपको 3D भी, और आजकल तो 7D 12D भी आने लग गया है. आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर मेरा समझाने का मतलब ये है कि 2D में आप जो है जो डायरेक्शंस की बात करते हो वो एक्स और वाई की बात करते हो, ठीक है? और वही जो 3D एनिमेशन है उसमें आप क्या करते हो, एक्स वाई के साथ साथ जेड एक्सिस की भी बात करते हो. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 2D एनिमेशन और 3D एनिमेशन, इनमें डिफरेंस क्या है? तो हम जो नॉर्मली कार्टून वगैरह देखते हैं वो जो हमारे आते हैं वो सब कुछ 2D एनिमेशन में आते हैं, ठीक है ना? और वो जो ये जो 2D एनिमेशन होते हैं वो फ्लेक्सिबल भी है, बहुत ईजी है किसी भी आर्टिस्ट के लिए बनाने के लिए. लेकिन 3D एनिमेशन में क्या होता है, आपको इमेजिनेशन जो है उसको बहुत ज्यादा आपको इंक्रीज करना पड़ती है. ये चीज तो हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी करते हुए देखी थी कि जो 3D एनिमेशन से उसको बनाना इतना आसान नहीं रहता है, दैट इज क्वाइट टफ, क्योंकि उसमें जो मूवमेंट रहते हैं और जो हम ओवरऑल कंपोजिशन करते हैं मतलब बिटवीन द कैरेक्टर्स और उनका बिहेवियर, उसको शो करना, उसको रिप्रेजेंट करना इज अ क्वाइट डिफिकल्ट. द नेशनल साइंस फाउंडेशन एम्फेसाइजेस हाउ हैविली 3D एनिमेटर्स मस्ट रिलाई ऑन फिजिक्स टू क्रिएट द रियलिस्टिक एनिमेशन. बट ऑब्वियस है कि इसमें मैथमेटिक्स भी लगता है,
फिजिक्स भी लगता है और सारे बहुत सारे इसमें लॉजिक्स जो हैं एनिमेटर को लगाने पड़ते हैं रियलिस्टिक इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए. आपने आयरन मैन देखी हो या इंग्लिश मूवी बहुत सारी हम देखते हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं 3D का बहुत ज्यादा रोल है. क्लियर है ये चीज आपको? यस मैम. यस मैम. फिर आपने देखा मोशन ग्राफिक्स. मोशन ग्राफिक्स का मतलब कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल है. मोशन ग्राफिक्स का मतलब होता है चलता हुआ ग्राफिक्स. हम जितने भी कैरेक्टर देख रहे हैं वो सारे चलते भी रहते हैं. यदि कोई लेफ्ट साइड से राइट साइड मूव कर रहा है या कोई राइट साइड से लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, कोई नीचे से ऊपर जंप कर रहा है या कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है, दैट ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मोशन ग्राफिक्स ओनली. ठीक है, तो दिस आर्ट फॉर्म फोकसेस ऑन द एबिलिटी टू मूव ग्राफिक एलिमेंट शेप्स एंड टेक्स्ट. जैसे आप कोई डिस्टॉर्ट कर रहे हो, सपोज आपके पास कोई शेप है उसको आप मतलब बड़ा, जैसे बलून है, इट इज अ स्मॉल, आपने उसमें एयर ब्लो करी तो इट बिकम्स बिग 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 एंड बिग, और फिर वो आखिरी में आप उसमें बहुत ज्यादा एयर बलून मतलब ब्लो करोगे तो बर्स्ट हो जाएगा वो. तो आपको यदि इस पर्टिकुलर चीज को आपको रिप्रेजेंट करना हो तो ये भी एनिमेशन के थ्रू होता है कि बलून के ब्लोइंग की हर स्टेज पे आपको आपको एक इमेज बनानी पड़ेगी, और वो जो लास्ट में जब बड़ा हो जाएगा और बर्स्ट हो जाएगा आपको उसकी इमेज भी बनानी पड़ेगी. फिर सारी इमेजेस को कंबाइन करके आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. मतलब इट इज ऑल अबाउट द स्किल्स. आपके जो आर्टिस्ट हैं, जो एनिमेटर्स होते हैं, उनका जो इमेजिनेशन होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, तभी वो किसी भी ग्राफिक को मोशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बात आ रही है आपको समझ में? यस और नो? जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट फेसेस की बात करते हैं, हैप्पी, सैड, आप देखते हो. तो देखो, हम जब मूवीज की बात करते हैं तो वहां पर तो बहुत आसान होता है, जो कैरेक्टर है वो रो भी देता है, वो हंस भी देता है, वो कूद भी लेता है. कैरेक्टर से करवाना ओरिजिनल में इट इज ओके, है ना, बट जैसे हीरो हीरोइन जो एक्ट करते हैं दैट इज क्वाइट ओके, लेकिन उसी चीज को एनिमेशन के थ्रू करवाना इट्स क्वाइट टफ, क्योंकि कैरेक्टर को वहां पर हर चीज करवाना है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट वहां पर होती है. ठीक है, तो ये जो मोशन ग्राफिक्स होते हैं, ये जो एनिमेशन एनिमेटर्स होते हैं, इनकी भी जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये बहुत बारीक वाला काम होता है. मतलब इसमें आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से दिखानी पड़ती है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉमनली यूज फॉर टेलीविजन प्रमोशंस, एक्सप्लेनर वीडियोस एंड एनिमेशन लोगोस. मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में इसका बहुत ज्यादा यूज है. और लास्ट वाला है आपका स्टॉप मोशन. और स्टॉप मोशन एनिमेशन इज वेरी सिमिलर टू द ट्रेडिशनल एनिमेशन बिकॉज इट कंबाइंस अ सीरीज ऑफ स्टिल इमेजेस दैट आर स्लाइटली डिफरेंट टू शो द मूवमेंट. सेल एनिमेशन में या ट्रेडिशनल एनिमेशन में भी यही होता है, क्योंकि ये एनिमेशन का कॉन्सेप्ट ही यही है कि आपको डिफरेंट इमेजेस बनानी है, उसको सीक्वेंस में लगाना है विद द स्लाइट डिफरेंस ऑफ वन फ्रेम टू अनदर डिफरेंट. ठीक है, बट द लार्जेस्ट डिफरेंस इज दैट स्टॉप मोशन यूजेस फोटोग्राफी एंड कैप्चर द रियल ऑब्जेक्ट्स. मतलब यहां पर ये जो हो रहा है फोटोग्राफी के थ्रू और रियल ऑब्जेक्ट्स को कैच करके, मतलब उनके हर छोटे छोटे मूवमेंट को फास्ट कैप्चर करके उनको कंबाइन करके जो है वो एनिमेशन बनता है. मतलब यहाँ पर आर्टिस्ट को और बहुत ज्यादा रोल प्ले करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि उसको नेक्स्ट, मतलब यदि नेक्स्ट स्टेप हो रही है तो उसके पहले फर्स्ट स्टेप की फोटो क्लिक होना उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यदि उसके लिए फर्स्ट स्टेप छूट गया तो वो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्टेप की फोटो यदि क्लिक भी कर लेगा रियल में तो उसके लिए वो मीनिंगफुल नहीं रहेगा. मतलब उसको हर एक सीन जो परफॉर्म हो रहा है उसको दिखाने के लिए उसको हर एक रियल फोटो को करना जरूरी है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टॉप मोशन. जैसे आपने देखा होगा हम लोग डिस्कवरी वगैरह पे देखते हैं, मतलब आई ऑल्सो वेंट टू कान्हा किसली भी गई हूँ मैं तो, और मैंने तो जिम कॉर्बेट जो है नेशनल पार्क वो भी देखा हुआ है. तो पीपल यूज टू से देयर कि अपन तो क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं फॉर अ वीक, फॉर अ टू वीक. क्या हो गया अभियान? हम लोग क्या करते हैं, फॉर अ वीक बोल रही हूँ, एक या दो दिन के लिए जाते हैं और एक दो सफारी करते हैं और हम उसमें सोचते हैं कि हमको हर चीज देखने को मिल जाए. वहां पर लोग बताते हैं कि जो डिस्कवरी वाले होते हैं और ये अदर रिलेटेड एनिमल्स चैनल वाले होते हैं, दे कम फॉर अ ईयर, दे कम फॉर 6 months, 7 months. वो इतने दिन रहते हैं जब उनको जाके 1 घंटे की ओवरऑल क्लिपिंग बनाने को मिलती है.
मतलब यू जस्ट इमेजिन कि हम जो देखते हैं उसको बनाने के लिए दे सर्व देयर इयर्स, क्योंकि इतनी उनकी लाइफ साइकिल को जज करना और उसकी फोटोग्राफ को और उसके वीडियो को कैप्चर करना, इट्स नॉट एन इजी टास्क, क्योंकि वो स्टॉप मोशन, वो रियल इमेजेस होती है, ठीक है ना, जिसको आपने कैप्चर करके रखा है. क्लियर है आपको ये चीज? यस मैम. ओके मैम. चलिए अब एनिमेशन के टाइप्स और एनिमेशन के टेक्निक्स ऑलमोस्ट सेम चीजें ही हैं, बट टॉपिक अलग अलग था तो मैंने सोचा कि लेट्स टेक इट एज डिफरेंट, ठीक है, बाकी वो सेम चीजें ही हैं. एनिमेटर्स हैव इन्वेंटेड एंड यूज अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट एनिमेशन टेक्निक्स. बेसिकली देर आर सिक्स एनिमेशन टेक्निक्स. पहले है ट्रेडिशनल एनिमेशन, जिसको अभी हमने पढ़ा कि जिसमें हैंड ड्रॉइंग होती है आप लाइट की हेल्प से, और ऑलरेडी जो पेपर पे आपकी इमेजेस ड्रॉन रहती है उसकी हेल्प से आप सेकेंड इमेज को बनाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं उसके ऊपर एज इट इज ड्रॉ करके. तो हैंड ड्रॉइंग का जो है बहुत ज्यादा यूज होता है इसमें, और हैंड ड्रॉइंग का चूंकि हम यूज करते हैं तो इसमें एफर्ट्स भी आपको है बहुत ज्यादा लगते हैं. फिर एक और इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती है की फ्रेमिंग. ये जो की फ्रेमिंग है आपके सिलेबस में अलग से मेंशनड है, ये कि आपको की फ्रेमिंग का मतलब पढ़ना ही पढ़ना है. बहुत ही इजी टेक्निक है. देखो की फ्रेमिंग क्या होता है. इन दिस टेक्निक अ स्टोरी बोर्ड इज लेड आउट एंड देन आर्टिस्ट ड्रॉ द मेजर फ्रेम्स ऑफ द एनिमेशन. मतलब आप पहले से ही डिवाइड कर लोगे कि किस पॉइंट पर आपको फ्रेम्स जो है वो बनाना है. मेजर फ्रेम्स आर द वन इन विच प्रोमिनेंट चेंजेस टेक प्लेस एंड दे आर द की पॉइंट्स ऑफ एनिमेशन. मतलब फ्रेम का मतलब क्या है, हाउ वन फ्रेम इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर फ्रेम. एक फ्रेम से दूसरी फ्रेम डिफरेंस नहीं होगी, जहां पर कुछ चेंजेस होगा. सपोज मैं हंस रही हूं और हंसते हंसते मैं रोने लग जाऊं, मतलब जहां पर मेरा हंसना स्टॉप होगा और जहां पर मेरा रोना शुरू होगा, दैट इज माई फ्रेम चेंज. तो एग्जैक्टली सेम मैनर में की फ्रेमिंग का मतलब ये होता है कि जहां पर फ्रेम चेंज हो रही है दैट इज योर की पॉइंट. की फ्रेमिंग रिक्वायर्स दैट द एनिमेटर स्पेसिफाई क्रिटिकल और की पोजिशन फॉर द ऑब्जेक्ट्स. द कंप्यूटर देन ऑटोमेटिकली फील्स इन द मिसिंग फ्रेम्स बाय स्मूथली इंटरपोलेटिंग बिटवीन दोज पोजिशंस. मतलब एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जो चेंजेस हो रहा है वो चेंजेस जो है वो ऑटोमेटिकली दैट इज फील्ड बाय द कंप्यूटर. मतलब obviously the changes is very very minute that cannot be vision from the human eye. वो आपको human eye से नहीं दिखेगा. देखो पहले इसका diagram बताती हूँ आपको, तो आपको समझना और आसान हो जाएगा. देखिए यहाँ पर 1 to 8 diagram दिख रहा है सबको? Yes ma'am. क्या difference है दोनों diagram में, कौन कौन मुझे बताएगा? वो newspaper में आता है ना find the differences, ऊपर क्या 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 differences आपको देखने को मिल रहा है इस diagram में, बताओ मुझे थोड़ा सा. एक बॉल है, एक रेक्टेंगल है, दोनों अलग अलग है, और 1 से लेके 8 तक पहुंचते पहुंचते रेक्टेंगल है, कलर जो है वो रेड से येलो हो गया है, और जो सर्कल था जो अलग था रेक्टेंगल से वो रेक्टेंगल की राइट वाली साइड पर आ गया है. यस और नो? यस मैम. यस. अब yes, देखो यहाँ पर, अब नीचे वाला देखो, इसको की फ्रेमिंग. अब इसकी अलग अलग फ्रेम्स कैसे बनेगी, पहली फ्रेम तो एज इट इज रहेगी, लास्ट फ्रेम एज इट इज रहेगी. अब आपको इसके मिडिल फ्रेम बनाना है, तो मिडिल फ्रेम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, धीरे धीरे आप कलर्स को चेंज करते जाएंगे. क्योंकि देखो आप एकदम से कलर चेंज करोगे तो आपको लगेगा अरे रेड से येलो हो गया, लेकिन आपका रेड हल्का पहले कलर चेंज होगा, फिर उसमें हल्का होगा, और फिर वेरिएंटली जैसे हमको एकदम से थोड़ी लगता अंधेरा हो गया है, एकदम से उजाला रहता है और फिर एकदम से 7 थोड़ी बच जाती है, 5 से 7 के बीच में 2 घंटे रहते हैं जब अंधेरा हो जाता है, तो हल्का हल्का ड्रॉनिंग वहां पर शुरू होती है. हमारा जो स्काई है वो ब्लू से थोड़ा सा जब सन नीचे जाता है तो वो ऑरेंज होने लग जाता है, या थोड़ा लाइट होने लग जाता है, फिर थोड़ा थोड़ा वो येलो होने लग जाता है, और फिर वो एकदम से जब डूब जाता है तब आपको ब्लैक दिखने लगता है. एकदम से थोड़ी ना आपका चेंज हो जाता है. तो यहाँ पर एनिमेशन में आपको यदि विजन को बरकरार रखना है, मतलब सामने वाले को ये पता ना चले कि यहाँ पर फ्रेम्स डिफरेंस हो रहा है, तो आपको इस तरह से इसको करना पड़ेगा. और बॉल भी क्या हो रही है, धीरे धीरे शिफ्ट होती जा रही है, पहले रेक्टेंगल के पास आई, फिर वो रेक्टेंगल के थोड़े अंदर गई, फिर और थोड़ा अंदर गई, फिर और थोड़ा, फिर मिडिल में आई, फिर थोड़ा साइड वाले पे राइट हैंड साइड पे आ गई, और फिर राइट हैंड साइड पर आ गई. तो ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसा कोई भी आप काम कर सकते हो. तो 1 to 8 व्हाट इज दिस, दिस आर दी 8 की फ्रेम्स इन द योर एनिमेशन. समझ में आया आपको? यस मैम. यस मैम.
तो की फ्रेम क्या है? की फ्रेम इज अ फ्रेम वेयर वी डिफाइन चेंजेस इन द एनिमेशन, जहां पर हम चेंजेस डिफाइन करेंगे एनिमेशन में. एवरी फ्रेम इज अ की फ्रेम, है ना, हर फ्रेम की फ्रेम होगा. वेन वी क्रिएट फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, when someone creates 3D animation on a computer, they usually don't specify the exact position of any given object on every single frame. They create the keyframes. मतलब automatically जहाँ पर आपको लगेगा कि यहाँ पर change हो रहा है, तो वो automatically उसको keyframe की definition में डाल देगा. उसको specify करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है 3D के case में. जैसे कोई object है, तो object का size अभी smaller है, थोड़ा सा उसके size में change हुआ, या उसकी डायरेक्शन में चेंज हुआ, या उसकी शेप में चेंज हुआ, या उसकी कोई भी कलर प्रॉपर्टी, मतलब एनी प्रॉपर्टी में यदि चेंज हुआ, तो कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिकली फिगर आउट कर लेगा कि दिस इज हाउ योर वन फ्रेम इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर फ्रेम. बात आई आपको समझ में? यस मैम. यस, एंड दिस इज हाउ द एग्जाम्पल इज. और लास्ट जो है दैट इज मॉर्फिंग. मॉर्फिंग भी जो है इट इज द कैटेगरी ऑफ वन ऑफ द टाइप ऑफ एनिमेशन. मॉर्फिंग भी जो है टेक्निक है एक तरह की. ये मॉर्फिंग जो टेक्निक है, जब भी मॉर्फिंग किसको बोलेंगे कि वेन एवर एनी ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनादर, तो दैट इज सेट टू बी मॉर्फिंग. मॉर्फिंग मतलब जब भी आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, यदि उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनादर. अब वो ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी हो सकता है, ट्रांसलेशन भी हो सकता है, स्केलिंग भी हो सकता है, रोटेशन भी हो सकता है, रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, शेयरिंग भी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. उसमें वो मोटा हो गया, पतला हो गया, दुबला हो गया, लंबा हो गया, छोटा हो गया, वॉट एवर यू से एनीथिंग, कोई भी चेंज यदि उसमें होता है तो उसको हम बोलेंगे मॉर्फिंग. बट मॉर्फिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसफॉर्मेशन. Amorph look as if two images melt into each other with a very fluid motion. In technical term, two images are distorted and a fade occurs between them. मतलब एक आपको example के बताऊं कि एक basket में बहुत सारे fruits रखे हैं, ठीक है, और वो अलग अलग fruits है. You can recognize between them कि yes this is apple, yes this is chiku, or yes this is banana, or yes this is mango. आप उसमें identify कर सकते हो. लेकिन जैसे ही थोड़े दिन बाद वो मैंगो, वो चीकू, वो फ्रूट्स खराब होने लग जाएंगे, तो सबकी शक्ल एक जैसी हो जाएगी, मुरझाई हुई हो जाएगी, वो ब्लैक हो जाएंगे. डू यू एग्री? तो दैट इज नोन एज द मॉर्फिंग. कि आपका जो ऑब्जेक्ट है यदि वो रेगुलर है देन इट इज ओके, लेकिन उसने जैसे अपना फॉर्म चेंज करा तो दैट जैसे उसने अपना फॉर्म चेंज करा तो दैट कम्स आउट इनटू द व्हाट इनटू द मतलब उसका फॉर्म जो है वो चेंज हो जाएगा और उसको हम मॉर्फिंग बोलेंगे, ठीक है. वैसे सिमिलर मैनर में प्रोसीजरल और बिहेवियर, ये भी दो टाइप के होते हैं एनिमेशंस. तो प्रोसीजरल एनिमेशंस में ऑब्वियसली विच फॉलो द प्रोसीजर्स, मतलब एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं और वो रूल्स को जो है एनिमेटर को बिल्कुल फॉलो करना पड़ता है. और वो जो रूल्स होते हैं वो ऑब्वियसली मैथमेटिकल इक्वेशन पे बेस्ड होते हैं, फिजिकल रूल्स पे बेस्ड होते हैं. आप उसको चेंज नहीं कर सकते. यदि आप बोल रहे हो सोना, तो सोने का फिजिकल रूल क्या है कि आंख बंद होनी चाहिए, आंख खोल के तो आप नहीं सो सकते. डू यू एग्री? आप बोल रहे हो जंपिंग, तो खड़े रहकर तो जंपिंग नहीं हो सकती, जंपिंग में तो मूवमेंट होगा ही होगा. या बॉल बोलते ग्रेविटेशनल फोर्स, बॉल ऊपर गई है तो नीचे आएगी ही आएगी, ऊपर थोड़ी ना रह जाएगी. डू यू एग्री? तो दिस आर सम एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल रूल्स और मैथमेटिकल इक्वेशंस जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है. तो दिस आर प्रोसीजरल एनिमेशन. कुछ होते हैं बिहेवियर एनिमेशन. बिहेवियर एनिमेशन का मतलब क्या होता है कि वहां पर आप बिहेवियर देख कर काम करेंगे. वहां पर आप क्या करोगे, बिहेवियर. जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दो कि यदि मेरी डेट ऑफ बर्थ है सपोज समथिंग, एंड यदि एवरी ईयर इज एडिंग, तो ऑटोमेटिकली मेरी एज जो है वो बढ़ जाएगी. यदि मैं ईयर बाय ईयर मेरा बढ़ रहा है, मैं हर साल बर्थडे बना रही हूँ, मतलब मेरी एज जो है वो ऑब्वियसली बढ़ जाएगी. मतलब बिहेवियर एनिमेशन का मतलब क्या होता है कि आपको वहां पर वो चीज करना ही करना है, मतलब अप टू एक्सटेंड, मतलब वो हो ही जाती है, ठीक है. मतलब इसको मैं आपको एक और एग्जांपल इसका कैसे दे सकती हूँ, जैसे मैंने ऊपर प्रोसीजर का एग्जांपल दिया बिहेवियर का. हाँ, इफ आई गिव यू अ स्लैप, तो उसका सेकंड एक्शन अपने आप बिहेवियर क्या होगा कि ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा,
ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा इफ आई गिव यू अ स्लैप, उस कैरेक्टर को रोना पड़ेगा. डू यू एग्री? यस मैम. उस कैरेक्टर को रोना पड़ेगा. तो दैट आर सम काइंड ऑफ प्रोसीजर एंड बिहेवियर. फिर एक होता है परफॉर्मेंस बेस्ड मोशन कैप्चर. मोशन कैप्चर तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके. मोशन कैप्चर मतलब जहां पर आप अलग अलग डिफरेंट मूवमेंट को जज करते हो, जहां पर अलग अलग आपके जो है मोशंस जो रहते हैं वो आपके यहाँ पर जज होते हैं. और जनरली जो मोशन कैप्चर होता है वो हम 3D में देखते हैं. 3D मूवीज वगैरह जो होती है वहां पर ये जो मोशन कैप्चर है बहुत ज्यादा होते हैं. तो स्पेसिफिकली मैं बताऊं तो जब आप ऐसी एनिमेशंस बनाते हो जहां पर मार फार हो रहा हो, या जहां पर कुछ लड़ाई वगैरह दिख रही हो, या जहां पर आप गेम्स खेल रहे हो, मतलब जहां पर आपको 3D रिप्रेजेंटेशन ज्यादा करना है, वहां पर आप परफॉर्मेंस बेस्ड मोशन कैप्चर का यूज कर सकते हैं. ठीक है, वी विल नॉट गो इनटू द मच डिटेल. फिर एक होता है फिजिकल बेस्ड डायनामिक्स. फिजिकल बेस्ड डायनामिक्स मतलब अगेन दैट इज बेस्ड ऑन, आपने सिमुलेटर्स पढ़ा होगा. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिमुलेशंस क्या होते हैं. सिमुलेशन बिल्कुल कॉपी होती है किसी भी चीज की. आपको कोई भी चीज करना है तो सिमुलेशन के थ्रू आप यदि उसको एक्सप्लेन, जैसे मैंने आपको भी पढ़ाने के लिए यूट्यूब पे वीडियो दिखाया, तो मैंने ये मान के चला कि यूट्यूब का वीडियो देखने के बाद मैंने जो पढ़ाया आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी. या अपोजिट कि मैंने आपको जो पढ़ाया है उसकी यदि मैं यूट्यूब की आपको लिंक दे दूं तो वो पढ़ने के देखने के बाद आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी. क्योंकि सिमुलेटर्स क्या करते हैं, सिमुलेटर रिप्रेजेंट यू एज इट इज. सिमुलेटर्स जो होते हैं आपको एज इट इज रिप्रेजेंट करते हैं. तो वहां पर आपकी जो थिंकिंग होती है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, आपकी जो समझ होती है वो आपकी बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाती है. तो दैट इज द फिजिकल बेस्ड डायनामिक्स. ठीक है, तो ये स्लाइड्स जो है मैं ऑलरेडी सब कुछ शेयर कर चुकी हूँ.